हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू वीडियो। तो फ्रेंड्स, आज हम बनाने वाले हैं पुराने कपड़े। जितने भी हमारे घर में जितने तरह के कपड़े हैं, इन सारे कपड़ों का हम आज यूज़ करेंगे। छोटे, बड़े, पुराने, उलन, सूती, कैसे भी फटे चिटे कपड़े हैं, सबका यूज़ करके आज बहुत ही सुंदर सा डोरमेट बनाने वाले हैं, या तो आप बड़ा सा मैट भी बना सकते हो। तो चलिए वीडियो स्टार्ट किया जाए। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करके जाइएगा। तो ये देखिए, मेरे पास ये है वेलवेट का कपड़ा, जिसका यूज़ मैं, ये मेरी नाइटी है, इसका यूज़ मैंने पहले भी कर चुकी थी, इतना बचा था इसलिए मैंने इसको इस तरह से जोड़ दिया है। अगर आपके पास साबुत कपड़ा है, यानी बिल्कुल एक टुकड़ा कपड़ा है, तो उससे आप बना सकते हैं। तो ये मेरा छोटा छोटा बचा हुआ था इसलिए मैंने ज्वाइंट कर दिया है। और इसके बाद से मैंने ये कपड़ा लिया है, कॉटन का कपड़ा है। इसको मैंने इस शेप में कटिंग किया है, आप अपने हिसाब से कोई भी शेप कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने इसे पत्ते के शेप में कटिंग किया है। अब मैं इसको रखूँगी इसके ऊपर, और रखने के बाद से मैं क्या करूँगी, एकदम अच्छे से बराबर कर लूँगी। बराबर करने के बाद से मैं क्या करूँगी, इसको पिनअप कर दूँगी। तो एक कपड़ा वेलवेट का अगर हो तो ज़्यादा अच्छा है, वेलवेट नहीं हो तो भी चलेगा, लेकिन वेलवेट में बहुत ही अच्छा बनता है। ये गुदगुदा, मुलायम, बिल्कुल सॉफ्ट सा बनता है, इसलिए वेलवेट के कपड़ा का हम यूज़ करेंगे। तो इसको मैंने पिनअप कर दिया। पिनअप करने के बाद मैं इस पे निशान लगा रही हूँ। जैसा कि मैंने बताया कि मैं इसे पत्ते के शेप में कटिंग की थी, तो पत्ते का जो निशान होता है उसे ही मैं ड्रॉ कर रही थी। अगर आप फ्लावर शेप में कर रहे हैं तो फ्लावर के शेप में ड्रॉ कीजिए, पर मैं इसे पत्ते के शेप में की हूँ इसलिए मैं उन्हें पत्ते की शेप में इस तरह से ड्रॉ कर रही थी इसके ऊपर से। अब हमने ड्रॉ कर लिया है, अब हम चलते हैं मशीन की तरफ। मशीन से हमें क्या करना है, जो हमने ड्रॉ किया था उसी के ऊपर हमें सिलाई लगानी है। देखिए किस तरह से सिलाई लगी है और किस तरह से मैंने ड्रॉ किया है। इसको हम एक तरफ से दूसरे तरफ से ले जाना है, मतलब इसको जो इसका सिरा है उसको बंद नहीं करना है। पहले एक तरफ से स्टार्टिंग करनी है, दूसरी तरफ से हमें सिलाई निकाल लेनी है। इसी तरफ से हम सारे जितने भी ड्रॉ किए हैं उसको कर लें, फिर आगे दिखाते हैं क्या करना है। ये देखिए, हमने यहाँ पर ड्रॉ कर लिया है, सिलाई भी कर ली है। अब बताते हैं कि क्या करना है इसे। इसको हम रखेंगे साइड में, और इसके बाद से जितने भी मैंने बताया स्टार्टिंग में, जितने भी हमारे पास पुराने नए जो भी कपड़े हैं, बच्चों के मोजे हैं, लेगिंग है, टी शर्ट है, शर्ट है, दुपट्टा है, साड़ी है, फटे हैं, कतरन है, पुराने हैं, बेडशीट, पर्दा, कुछ भी हमारे यहाँ है उसको ले लेंगे, सारे कपड़े ले लेंगे। लेने के बाद से पाँच पाँच छः छः इंच की चौड़ाई लेते हुए इसको कटिंग कर लेंगे। और जो छोटे कपड़े हैं उसका यूज़ हम बाद में करेंगे, पहले तो थोड़े से जो बड़े कपड़े हैं उसका यूज़ करेंगे। इसको इस तरह से पिन लगा के हम इसके अंदर से इंसर्ट करते जाएंगे, दूसरे सिरे से निकाल लेंगे, एक तरफ से इंसर्ट करेंगे, दूसरे सिरे से निकाल लेंगे। इसलिए मैंने बोला था कि एक तरफ से स्टार्टिंग करेंगे तो दूसरी तरफ से हमें इसको निकालना है, यानी इसका मुंह बंद नहीं होना चाहिए। इसीलिए मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि आपको एक सिरे से सिलाई करनी है, दूसरे सिरे से आपको निकालनी है, और शेप बिल्कुल पत्ते के शेप में होना चाहिए जो हमने ड्रॉ किया था। तो देखिए, इसको ले निकाल के हम इस तरह से इसको खींच देंगे। अभी तो ये थोड़ा सा लूज़ है, इसको हम बाद में बताएंगे क्या करना है, अभी तो थोड़ा सा लूज़ लूज़ ही है। इसको पहले तो इस तरह से हम लूज़ लूज़ ही जो भी है उसको कर लें, फिर बाद में बताएंगे कि इसको किस कैसे अच्छे से किया जाएगा। पहले तो इसको इसी तरह से सेटिंग कर लें। अब हम दूसरे में इसी तरह का कपड़ा लगाएंगे। आप इस जगह पे पुराना दुपट्टा, साड़ी, कुछ भी यूज़ कर सकते। देखिए मेरे पास पुराना तौलिया था तो इसका मैं यूज़ कर रही हूँ। यहाँ पे छोटा है तो ऊपर की तरफ से यूज़ कर लीजिए, बड़े थोड़े टुकड़े हैं तो आप बीच में यूज़ कर लीजिए, मतलब जैसा कपड़ा है आपके पास उस हिसाब से उस तरफ ही आप यूज़ करिए। देखिए थोड़ा मेरे छोटा था तो इसलिए मैं यहाँ पर इसे यूज़ कर रही हूँ। ये देखिए,
यहाँ पे ये आ चुका है। अब देखिए ये यहाँ पे हो गया है, एक्स्ट्रा अभी भी कपड़ा दिख रहा है। और इसी में क्या करूँगी, एक्स्ट्रा कपड़ा साथ साथ में मैं कटिंग करते जाऊँगी, नहीं तो बहुत मोटा हो जाता है फिर कटिंग नहीं होता है एक साथ में। इस तरह से चलिए सारे इसके अंदर इंसर्ट कर ले, जितना हो पाता है उतना कर लिया जाए, फिर दिखाते हैं आगे। ये देखिए कुछ इस तरह से ये दिखेगा। अब भी ये बहुत सारा लूज था, इसे बिल्कुल अच्छे से टाइट करने के लिए अभी क्या, क्योंकि इसकी साइड साइड में बहुत सारा जगह था, तो अब हम क्या करेंगे, जो पुरानी सिलाइयाँ होती जिससे हम लोग बुनाई वगैरह करते हैं उसको लेंगे और उसी की हेल्प से इसे जितने भी थोड़ा बहुत खाली दिख रहा था साइड साइड से उसके अंदर हम इंसर्ट करते जाएंगे, कपड़ा डालते जाएंगे और उसकी हेल्प से हम अंदर तक इसे भर सकते हैं। तो जहाँ भी हमें खाली लगे कि यहाँ पे खाली है, तो छोटे छोटे जितने भी आपके घर में मोजे वगैरह है, कैप है, तौलिया है, कुछ भी है आप इसके अंदर, या फिर कतरन है सिलाई करते हो तो इसके अंदर आप इस तरह से इंसर्ट कर सकते हैं, भर सकते हैं। तो चलिए ये सारा ही हम भर लेते हैं, पूरा अच्छे से फिलिंग कर लें, फिर दिखाते हैं आपको क्या करना है। यहाँ पे देखिए हमने सारा भर लिया है और ये कुछ इस तरह से दिख रहा है। अब हमें क्या करना है कि अब हम लेंगे करीब 3 इंच चौड़ाई कपड़ा, किसी भी कलर का ले सकते हैं या वाइट भी ले सकते हैं, पर मैंने वाइट नहीं लिया है। पहले तो इसे क्या करेंगे, जो साइड साइड में जो निकला है उसे हम या तो अंदर ही डाल दें या फिर इसे कटिंग करके निकाल दें, अगर कटिंग हो पाता है तो, क्योंकि साइड वाला हिस्सा हमें बहुत ज़्यादा मोटा नहीं चाहिए, नहीं तो हमें सिलाई भी इसके ऊपर से नहीं चल पाएगी। अब हम लेते हैं देखिए 3 इंच चौड़ा कपड़ा, किसी भी कलर का ले सकते हैं या फिर आपने जो भी कपड़ा आपका है उससे मिलता जुलता भी कपड़ा ले सकते हैं या फिर कंट्रास्ट में भी ले सकते हैं। इसके बाद से हम क्या करेंगे, नीचे से हमें इस तरह से सिलाई लगा लेनी है, जिसकी वजह से ये साइड साइड से जो खुला वाला एरिया है वो थोड़ी फिनिशिंग दिखने लगे और देखने में सुंदर दिखने लगे। तो इस तरह से साइड साइड से पहले चारों तरफ से जो भी है सिलाई कर लें, फिर बताते हैं। और यहाँ पे जब हम चारों तरफ से सिलाई कर लेंगे, इसको हम क्या करेंगे, अब इस तरह से पलट देंगे, जैसे पाइपिंग लगाते हैं उसी तरह से हमें सेम करना है। ये देखिए इस तरह से हमें पाइपिंग की तरह से इसके ऊपर से फोल्ड करते हुए फिनिशिंग के साथ सिलाई दे लेंगे चारों तरफ से। तो चलिए कर ले, फिर दिखाते हैं। यहाँ पे हमने अच्छे से फिनिशिंग देते हुए सिलाई लगा ली है। अब चलिए इसका फाइनल लुक मैं दिखाती हूँ। ये देखिए बहुत ही सुंदर सा पायदान बनके तैयार हुआ है, जो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है, बहुत ज़्यादा मोटा है। इसे आप सर्दियों में यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि सर्दियाँ आ रही हैं और फर्श काफ़ी
ठंडा होता है तो हम इसे किचन में यूज़ कर सकते हैं। अगर हम बाथरूम के दरवाजे पे यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा पानी एब्जॉर्ब कर सकता है। किचन में यूज़ करेंगे तो बहुत ज़्यादा गर्म रहेगा पैरों के नीचे, बहुत ज़्यादा गुदगुदा है। इसमें हमने वेलवेट के कपड़े का यूज़ किया है तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। तो आप सबको मेरा आज का ये वीडियो और आइडिया कैसा लगा ज़रूर बताइए। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करके जाइएगा। अगर चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय, सी यू अगेन, राधे राधे।